दोस्तों राजस्थान के नामकरण के बारे में आज बताएंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ राजस्थान के। वैदिक काल के अंदर जो है ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से उल्लेख किया गया है। रामायण के वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश को मरुकांतर नाम से उल्लेख किया है। राजस्थान को मरु प्रदेश, गुरुवार, रायथान, राजपुताना, रजवाड़ा आदि नामों से भी जाना जाता है, आदि अन्य नाम राजस्थानिया दिए। 682 की ईस्वी पूर्व में खीमल माता मंदिर, बसंतगढ़ सिरोही पर उत्कीर्ण बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को संस्कृत भाषा में राजस्थानिया दीते नाम दिया गया। राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ मोनोतनेंसी का ख्यात 1665 ईस्वी में मोनोतनेंसी ने दिया। राजस्थान का अबुल फजल कहा गया इसे, और राजरूपक ग्रंथ में 1731 ईस्वी में वीरभान द्वारा रचित ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथ में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। जॉर्ज थॉमस निवासी आयरलैंड के थे। जॉर्ज थॉमस ने ग्वालियर के पश्चिम में स्थित राजपूत रियासतों के समूह को सन 1800 ईस्वी में राजपूताना नाम से संबोधित किया। उस समय जॉर्ज थॉमस ग्वालियर के मराठा शासक दौलतराव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था। मृत्यु राजस्थान के बीकानेर में हुई थी जॉर्ज थॉमस की। विलियम फ्रैंकलिन 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में लिखा कि जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। अतः राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण हमें 1805 ईस्वी में मिलता है। इस पुस्तक का प्रकाशन जो है वो लॉर्ड वेलिंगटन ने किया। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड, जिसका उपनाम घोड़े वाला बाबा, राजस्थान के इतिहास का जनक और पिता महा कहा जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड को। जन्म इसका 20 मार्च 1782 में स्कॉटलैंड के इस्लिंगटन इंग्लैंड में हुआ। मृत्यु के दिन रात पुस्तकों और अनुसंधान में डूबे रहने वाले इस अद्वितीय अंग्रेज इतिहासकार की मृत्यु केवल 53 वर्ष की उम्र में ही 17 नवंबर 1835 को इंग्लैंड में हुई। भारत में कोलकाता, हरिद्वार और दिल्ली इसके प्रमुख कार्यक्षेत्र रहे। पत्नी जूलिया क्लूटरबर्ग थी राजस्थान के कर्नल जेम्स टोड। सन 1806 ईस्वी में अपनी फौज की नौकरी में दौरान पहली बार वे उदयपुर पहुंचे। राजस्थान में पहली बार 1817 में मेवाड़, हाड़ौती, कोटाबूंदी क्षेत्र में रेजिडेंट के पद पर नियुक्त किए गए। राजपूताना और आसपास के प्रदेशों में टोपोग्राफिक नक्शे तैयार करने हेतु उन्होंने स्थानीय इतिहास के मौखिक और अनगिनत लिखित अभिलेखों के साक्षात्कार किया और तय किया कि वे राजपूताना पर नया ग्रंथ लिखकर उसके इतिहास पर पुनर्लेखन करेंगे। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के सर्वप्रथम मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आकर रुके थे। कर्नल जेम्स टोड के कहने पर 1818 ईस्वी में राजस्थान के राजा भील सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की तो वह दूसरी ओर अंग्रेजों को धीरे धीरे टोड पर शक होने लगा कि कहीं ये राजपूतों के साथ नहीं मिल जाए। इसी कारण 1822 में कर्नल जेम्स टोड बीमारी का बहाना मांगा कर त्यागपत्र दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए।